अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं। कोई भी पार्टी मजहब के नाम पर जीत नहीं सकती। तेलंगाना में 105 हलकों में कामयाबी हासिल करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। सिद्धारामैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, डी के शिवा कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाईवे पर सो रहे कुत्ते का तेंदुए ने किया चालाकी से शिकार। और शाहरुख खान की फिल्म जवान के क्लिप वायरल करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने ट्विटर से सारिफिन की तफसीलात की तलब। और अब खबरों। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने आइंदा इंतखाबात में भी रियासत में तीसरी म्याद के लिए इख्तदार हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी 95 से 105 हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान असम्बली काउंसिल और पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक में हैं। अगर हर रुकन असम्बली सख्त मेहनत करते हैं तो ऐसी सूरत में हर एक रुकन असम्बली 50,000 से जायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोई पार्टी मजहब और जात पात की बुनियाद पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। तेलंगाना में उनकी हुकूमत तमाम मजाहिब के लोगों के साथ मसावी सलूक कर रही है, यही हमारी कामयाबी का राज है। आज महाराष्ट्र के अवाम भी तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की चाहते हैं। महाराष्ट्र के एक आईएएस अफसर ने तेलंगाना मॉडल की तारीफ की, ये हमारे लिए फख्र की बात है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गुजरात मॉडल एक बोगस मॉडल था, मोदी हुकूमत ने मुल्क की अवाम को धोखा दिया है, इसलिए आज मुल्क की कई रियासतों की नज़रें तेलंगाना मॉडल पर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से रियासत में सिर्फ एक अकामती स्कूल था, लेकिन आज 1001 अकामती स्कूल्स हो गए हैं जिनमें समाज के हर तबके के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत को हर महासभा नंबर वन बनाया गया है। फीकस आमदनी हो या फीकस बरखी के इस्तेमाल में भी सर फहरिस्त है। हर साल आमदनी में इजाफा करते हुए रकम को फलाह व बहबूद के कामों पर खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस के 10 साल दौर में रेत की कानखनी से 36 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, लेकिन उनके पहले 5 साल दौर में 5,000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। सिंगरेनी कालरिस की आमदनी 12,000 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। ये सिर्फ बेहतर और शफाफ हुक्मरानी से मुमकिन हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी गौर व खौज के बाद जुमेरात को बाकायदा तौर पर सिद्धारामैया को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि DK शिवकुमार वाहिद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह के तौर पर जारी रहेंगे। सिद्धारामैया और DK शिवकुमार 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बिल तरतीब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। वाजे रहे कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब में कांग्रेस क़यादत को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जहां दो ताकतवर उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर के नाम को खतियत देने में 5 दिन तक मुशाविरत करनी पड़ी। किरण रिजिजू से वजारत कानून का खलमदान छीन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ये जिम्मेदारी अब अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने काबीना में रद्दोबदल को मंजूरी दी है। किरण रिजिजू को वजारत मारूफ आर्टिकल्चरल फोटोग्राफर व सहाफ़ी KN वासिफ की अंग्रेज़ी किताब इंडियन आर्टिकल्चरल हेरिटेज की रस्म इजरा जुमा 19 मई शाम 7 बजे बदस्ते आली जनाब मोहम्मद महमूद अली वजीर दाखिला रियासत तेलंगाना अमल में आएगी, जबकि सदारत मुजफ्फर हुसैन अंसारी साबिक इन्वेस्टमेंट मैनेजर किंग फैसल फाउंडेशन सऊदी अरब फरमाएंगे। इंजीनियर MNI मैनेजिंग डायरेक्टर मासा स्पेशलिस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी रियाद और शहाब अफसर खान डायरेक्टर व पंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल औरंगाबाद बहसियत मेहमाना ने खसूसी शिरकत करेंगे। इंजीनियर अब्दुल हमीद इस्तेबालिया और सैयद जियाउर रहमान नजामत के फ़राइज अंजाम देंगे। मारूफ सहाफ़ी अयूब अली खां किताब पर और सहाफ़ी JS इफ्तिखार मुसन्निफ पर इजहार ख्याल करेंगे, जबकि सहाफ़ी गौस इसलान हदिया तशक्कुर पेश करेंगे। ये तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़द होगी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अखिलियती मुहाज की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदों को BJP के करीब करने की कोशिशों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलियती मुहाज से वाबस्ता मुल्क भर के कारकुनों के वर्कशॉप में हुकूमत की पॉलिसियों को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तक ले जाने के तरीक़ेकार पर बातचीत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अखिलियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने BJP हेडकोार्टर में मुल्क भर के अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने 30% से ज़ायद मुस्लिम राय दहिंदगान वाले 65 लोकसभा हलकों में मोदी दोस्त बनाने की मुहिम शुरू की है।
जंगली जानवर अक्सर खुराक की तलाश में जंगल से बाहर रिहायशी इलाकों में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से कभी कोई जानवर उनका शिकार बन जाता है तो कभी वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से गश्त कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक तेंदुआ किस तरह हाईवे पर किस तरह चालाकी से शिकार करता है। वीडियो में कुछ ट्रक और एक लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे कुछ फासले पर एक चादर ओढ़े चारपाई पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान एक तेंदुआ चुपके से आता है और शिट के नीचे सोए हुए कुत्ते को मुंह में दबा कर ले जाता है। इस चौंका देने वाले तेंदुए का वीडियो IFS ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जो पुणे नासिक हाईवे का बताया जा रहा है। 35 सेकंड की इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं, जो आज 18 मई को शेयर की गई है। रियासत बिहार में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में एक दुल्हन ने शादी से ऐन क़बल ये कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि दुल्हे का रंग काला है और वो उम्र में भी उससे बहुत बड़ा है। रियासत बिहार के भागलपुर के इलाके कहलगांव में कुट्टू कुमारी नामी की शादी एक शख्स से तय पाई। शादी की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो गई थी, कार्ड्स बट चुके थे, मंडप सज गया और तमाम बाराती शादी की तकरीब में पहुँच गए। बस अब वरमाला पहनाना बाकी थी कि अचानक दुल्हन ने अपना फैसला सुनाते हुए सबको चौंका दिया। दुल्हन ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि दुल्हा काला है और उम्र में उसे काफी बड़ा लगता है। दुल्हा जब शादी के मंडप में पहुंचा तो दुल्हे को देखते ही दुल्हन का चेहरा बदल गया। दुल्हन और दुल्हे के घर वालों ने लड़की को शादी के लिए राजी करने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। दुल्हन ने शादी के लिए दबाव डालने पर खुदकुशी कर लेने की धमकी दी, जिस पर मजबूरी की हालत में शादी की तकरीब मनसूख कर दी गई। दुल्हन के वालिद ने उसे बताया कि शादी की तकरीबन हर रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। उन्होंने काफी देर तक दुल्हन को फैसला बदलने के लिए कायल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दुल्हन ने यहां तक कहा कि अगर लोग उसे शादी पर मजबूर करेंगे तो वो खुदकुशी करके मर जाएगी। ये सुनकर दुल्हा अपने अरकान खानदान के साथ बारात वापस लेकर चला गया। हाई कोर्ट ने ट्विटर से उन सारिफिन की तफसीलात तलब की हैं जो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान से मुतालक मालूमात शेयर कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चहरशंबे के रोज़ ट्विटर से कहा कि वो अपने कुछ सारिफिन के ईमेल, आईपी एड्रेस और फ़ोन नंबरात बिशमुल बुनियादी सब्सक्राइबर्स मालूमात का इंकशाफ करे जो मुबैना तौर पर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के क्लिप शेयर कर रहे हैं। अदालत ने पहले यूट्यूब, ट्विटर और रीडेट को हिदायत की थी कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर मुकदमे के बाद के मवाद और क्लिप्स के नशरियात को फौरी तौर पर ब्लॉक और हटा दें। अप्रैल में अदालत ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स और इंटरनेट सर्विसेज फ्राहम करने वालों को बगैर मुनासिब लाइसेंस के जवान से मुतालिक किसी भी क्लिप, गाने, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को कॉपी करने, रिकॉर्ड करने, डिस्प्ले करने या जारी करने से रोक दिया था। बैडमिंटन बैरून मुल्क में मुकीम हिंदुस्तानियों की बहुत सी नौजवान नस्लों के लिए एक पुरकशिश खेल बनता जा रहा है। अगरचे क्रिकेट हिंदुस्तानियों के लिए एक बेमिसाल खेल है, चाहे वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क, लेकिन बहुत से नौजवान NRI तुलबा आहिस्ता आहिस्ता बैडमिंटन में दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। जब बात सऊदी अरब की हो तो हिंदुस्तानी तुलबा मुकामी सऊदी स्पोर्ट्स हुकाम के ताउन से बैडमिंटन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद के एक नौजवान हैदराबादी तालिब इल्म ने सऊदी अरब की नुमाइंदगी की और फ्रांस में हाल ही में मुनक्किद होने वाली बैनुल अक्वामी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सऊदी अरब की जानिब से खेला। आमिर उन 4 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने सेंट लुइस में मुनक्किदा यूनिक्स बॉर्डर इंटरनेशनल अंडर 19 कप के नाम से मशहूर टूर्नामेंट में सऊदी अरब की नुमाइंदगी की, जो कि फ्रांस, जर्मन और स्विट्जरलैंड की सरहदों पर वाकई है। सऊदी टीम ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त दी, ताहम उसे टूर्नामेंट में जर्मनी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब में पैदा होने वाले 14 साल आमिर को बचपन से ही बैडमिंटन का शौक है। उनका ताल्लुक उस खेल से मोहब्बत करने वाले एक अनोखे खानदान से है, जहां ज्यादातर हिंदुस्तानी क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं जानते। जब गोपी चंद ने बरतानिया में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती तो बहुत कम हिंदुस्तानियों ने खुशियां मनाई थीं, जबकि हिंदुस्तानियों की खुशियां आसमान पर उस वक्त पहुंच गई जब उसी हफ्ते हरभजन सिंह ने हैट्रिक की और VVS लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 281 रन बनाए। आमिर के वालिद मोहम्मद आसिम, जो रियाद में काम करते हैं, ने कहा कि सऊदी टीम की जानिब से एक बैनुल अक्वामी टूर्नामेंट में आमिर की शिरकत की खबर को रियाद में हिंदुस्तानी बरादरी ने सराहा है।
बेंगलुरु में एक मुसाफिर तैयारे में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया। उसे पुलिस ने कैंपेगौड़ा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। ताहम मुसाफिर का कहना था कि वो पहली मरतबा तैयारे में सफ़र कर रहा है और यहाँ के खवानीन के बारे में नहीं जानता। उसने बताया कि माजी में वो कई मरतबा ट्रेन के सफ़र के दौरान बैतुलखला में सिगरेट नोशी कर चुका है। राजस्थान के मारवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसकी उम्र 56 साल बताई गई है, पहली मरतबा फ्लाइट में सवार हुआ। वो अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहा था। वो दौरान परवास फ्लाइट के बाथरूम गया और बीड़ी पीने लगा, जिसके साथ ही स्मोक अलर्ट हुआ। तैयारे का अमला वहां पहुंच गया। बाहर आने के बाद जब मुसाफिर से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसे तैयारे के कवायद का इल्म नहीं है। आखिरकार बेंगलुरु पहुंचने के बाद मुसाफिर को फ्लाइट के अमले ने पुलिस के हवाले कर दिया। अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। कोई भी पार्टी मजहब के नाम पर जीत नहीं सकती, तेलंगाना में 105 हलकों में कामयाबी हासिल करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। सिद्धारामैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाईवे पर सो रहे कुत्ते का तेंदुए ने किया चालाकी से शिकार। और शाहरुख खान की फिल्म जवान के क्लिप वायरल करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने ट्विटर से सारिफिन की तफसीलात की तलब। इसी के साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पज़ीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।